राजेश रंजन और पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ सवाल उठाने के लिए। राजीव प्रताप रूड़ी जी के यहाँ अस्पताल का एम्बुलेंस घर पर खड़ी हो गई थी, उसके लिए उनको गिरफ्तारी हो गई। वाह भाई वाह, ये क्या है, ये अस्पताल में खड़ी अररिया के सांसद, बिहार के सीमांचल के हिस्से में अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी, ये क्या है, देखिएगा शर्म नहीं आता है। ये देखिए, ये टायर का हवा नहीं निकला है, टायर का हवा है, आपके एम्बुलेंस का हवा निकल गया, आपके स्वास्थ्य का हवा निकल गया, आपने लोगों के लिए क्या किया उसकी भी हवा निकल गई है। पूरी धज्जियां उड़ा के रख दिया गया है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की, चाहे वो नीतीश कुमार, चाहे वो मंगल पांडे, और यहां तक कि ये प्रदीप सिंह अररिया के सांसद, जात और धर्म के नाम पर सांसद बनने वाले। आइए आपको दिखाते हैं लोगों का कृत क्या है। पप्पू यादव जी को गिरफ्तारी करने से स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाएगी, पप्पू यादव जी को गिरफ्तार कर लेने से स्वास्थ्य व्यवस्था की सुधर जाएगी, लोगों को सुविधा मिल जाएगी। दिखाइए इनको मीटर रीडिंग, दिखाइए क्या मीटर रीडिंग है, 229 किलोमीटर, आइए मात्र 229 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी, और इसका पैसा कौन भरेगा, इसका पैसा प्रदीप सिंह जी कौन दिया है, जनता की गाड़ी कमाई, जनता की गाड़ी कमाई। आप खाली उद्घाटन कर दीजिए और ऐसे खड़े कर दीजिए, यह आपने सुविधा दी है, यह हालात के पप्पू यादव जी आवाज उठा दे तो बड़ी तकलीफ हो जाती है। अब नहीं आवाज दीजिएगा प्रधानमंत्री जी, नहीं करिएगा कार्रवाई प्रदीप कुमार सिंह के खिलाफ। यह सिर्फ प्रदीप कुमार सिंह और राजीव प्रताप रूड़ी का सवाल नहीं है, यह बिहार के अनुमान हर जगह का हाल है, यह हर जगह यह परिस्थिति, यही जीवन धारा आपका नाम कर दिए, उद्घाटन कर दिए, और पप्पू यादव आवाज उठा दे तो जेल में डाल दीजिए, डाल दीजिए, कितने लोगों को जेल में डालिएगा बिहार की स्थिति पर उठाने। नहीं है स्थिति यहां पर अच्छी, लोग मर रहे हैं कोरोना से, एम्बुलेंस नहीं है, लेकिन एम्बुलेंस जो है तो देखिए, वाह भाई वाह कितनी बढ़िया एम्बुलेंस, देखिए यह स्थिति, नाम लिखवा के प्रदीप सिंह, टायर में हवा नहीं निकली तुम्हारी हवा निकल गई, पप्पू यादव जी को गिरफ्तार करिए, बहुत अच्छी ताली बजाइए, पूरे बिहार के लोग हम लोग ताली बजाएंगे कि पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी हो गई। लेकिन वो गरीबों की आवाज उठाने वाले की गिरफ्तारी के बाद भी आवाज नहीं बैठेगी, जन अधिकार छात्र परिषद आवाज उठाएगा, जन अधिकार युवा परिषद आवाज उठाएगा, युवा शक्ति आवाज उठाएगी, हर एक बिहारी आवाज उठाएगा, लेकिन इन सब चीजों को उजागर करेंगे। जितनी गिरफ्तारी करना है गिरफ्तारी करते रहिए, गिरफ्तारी मत रोकिए, लेकिन हाँ इस स्थिति में और इस बिहार के इस हालात पर हम लोगों को गौर करना होगा। देख लीजिए आपके सामने, नहीं तो आप कहिएगा कि दूसरी पार्टी की है, जाप वाला है तो बीजेपी को बोल रहा है, बीजेपी वाले हैं तो आरजेडी को बोल रहे हैं। हाथ जोड़कर विनती है, राजनीति करने का वक्त नहीं है, राजनीति बहुत समय है कर लेंगे, चुनाव को भी समय है, लोगों को बचाइए, पप्पू यादव जी को रिहा कर दीजिए, और पप्पू यादव जी लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, लेकिन इस आवाज को रुकने नहीं दीजिएगा और इसका जवाब देना होगा, इस परिस्थिति का इसका जवाब आप लोगों को बिहार की जनता मांगेगी, देश की जनता मांगेगी, और जवाब देना पड़ेगा।